हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या। अगर आने वाले टाइम में आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को कवर किया है और इन 20 क्वेश्चन में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों को ऐड किया है। तो आप लोग अपने आप को एक बार चेक कर लें कि इन 20 क्वेश्चंस में से आप लोग कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाते हैं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ये एक क्विज की तरह लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका सही आंसर है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नहर किस राज्य में स्थित है। सोचिए और आंसर करिए। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष भृगुवंशी किस खेल से संबंधित हैं। 5 सेकंड है आप लोगों के पास। इसका सही आंसर है बास्केटबॉल। विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची बुद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था। आप लोग सोचिए और आंसर करिए। इसका सही आंसर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने मूल रूप से सांची स्तूप को बनवाया था। सांची बुद्ध स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमा किस देश की राजधानी है। इसका सही आंसर है पेरू। लीमा पेरू देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसके के कैप्टन कौन है। इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के कैप्टन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2022 कहां पर आयोजित होगा। इसका सही आंसर है फीफा 2022 में कतर में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का समय कितना होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का समय होता है वो होता है 90 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस किससे फैलता है। मक्खी से, मच्छर से, चूहे से, बंदर से। सोचिए और आंसर करिए। जो जीका वायरस फैलता है ये मूल रूप से मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर है काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसका सही आंसर है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रॉक गार्डन कहां पर स्थित है।
इसका सही आंसर है चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान कब लॉन्च होगा? गगनयान जो लॉन्च होने वाला है वो 2021 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? इनका क्रम बताना है, 12th नंबर के हैं, 13th नंबर के हैं, 14th, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है 13वें। जो प्रणब मुखर्जी हैं वो 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? इसका सही आंसर है 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में खत्म हुई थी और शुरू कब हुई थी? तो वो 2007 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी वो 1897 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आप लोग आंसर सोचिए और बताइए। इसका सही आंसर है 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानेज जनसा किस देश के प्रधानमंत्री का नाम है? ये आप लोगों का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है स्लोवेनिया। जानेज जनसा स्लोवेनिया देश के प्रधानमंत्री का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इसका सही आंसर है कच्छ। भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है और ये कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यहाँ पर आप लोगों का वीडियो फिनिश होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी टेस्ट दे पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।